Hey what's up guys, this is me once again Avad Qureshi. Welcome back to another vlog. Hope all of you guys are exactly fine. दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नई वीडियो में. दोस्तों आज का जो वीडियो है ये होने वाला है मेरा Q&A टाइप. दोस्तों ठीक इससे मैं एक साल पहले एक Q&A वीडियो किया था और मेरे YouTube चैनल में ये दूसरा Q&A वीडियो है. तो दोस्तों आज के जो Q&A वीडियो में मैं जो क्वेश्चंस पिक किया हूँ ना वो थोड़े यूनिक टाइप के हैं. क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे थे लेकिन मैं सोचा कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे आज के Q&A सेशन को, क्योंकि क्वेश्चंस भी इस बार थोड़े अलग हटके आए हैं. तो मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं ज़्यादा क्वेश्चंस पिक नहीं करूँगा, 4 से 5 क्वेश्चंस में ही अपन आज का ये वीडियो कंप्लीट करेंगे. लेकिन वो वीडियो कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चंस भी ऐसे ऐसे हैं कि बताते बताते वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी. तो कभी और मौका मिले तो अपन बीच बीच में उस क्वेश्चंस को कवर किया करेंगे. बाकी आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है. वीडियो को लाइक नहीं किया है आप लोगों ने तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो. स्टार्ट करते हैं अपन आज के इस हमारे दूसरे Q&A वीडियो को. तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है वो आया हमारे फेसबुक मैसेंजर से. ओम राव लिखते हैं, भाई यूट्यूब चालू करने का कैसे मन में आया? तो मेरे भाई ओम, यूट्यूब चालू करने का मन में आया इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है. इसमें जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइबर्स हैं वो उसमें से कई लोग जानते भी होंगे कि मैं इससे पहले मेरे एक और यूट्यूब चैनल हुआ करता था Qureshi कंप्यूटर्स के नाम से. तो उसमें मैं टेक्निकल वीडियोस डाला करता था और वो उस टाइम मैं था क्लास 6 स्टैंडर्ड में. तो उस टाइम हुआ क्या, घर वाले भी देखते थे तो डांटते थे कि कर क्या रहा है, अभी पढ़ने का एज है तेरा, ऐसा वैसा करके. तो उस टाइम मैं उतना कुछ खास नहीं कर पाया और उसके बाद ना फिर ईमेल आईडी वगैरह बना लिया था मैं. तो इसलिए मैं जो अपना यूट्यूब है ना, यूट्यूब अकाउंट वो 2015 में बना लिया था. 2015 को बना लिया था मैं अपना यूट्यूब अकाउंट, वो था 13 सितंबर 2015 को मैं यूट्यूब ज्वाइन कर लिया था. आप लोग अगर अभी भी जाके मेरे यूट्यूब में देखोगे तो आप लोगों को ये एग्जैक्ट डेट दिखेगा. तो फिर यूट्यूब अकाउंट तो मैं 2015 से बना के छोड़ दिया हूँ. लेकिन फिर 2019 में हुआ क्या, मैं यूट्यूब में थोड़ा सा ना वीडियोस वगैरह देखता था और इंस्पायर्ड हुआ बहुत लोगों से कि हाँ व्लॉगिंग एक अच्छा करियर है, इसमें वीडियोस बनाना चाहिए अपने लाइफस्टाइल, ट्रैवल, ये सब चीज़. और फिर धीरे से मन में आया कि नहीं अब करना चाहिए. तो फिर मैं सोचा कि स्टार्ट करता हूँ व्लॉगिंग करना. तो जो मैं फर्स्ट वीडियो था डाला था मैं था वो 2 अगस्त 2019 को, जो कि देखे थे आप लोगों ने, चवेला नदी वाला था. आई बटन में ब्लिंक हो रहा होगा, जल्दी से जाके देख लो आप लोग. उसमें आप लोग को देखोगे ना तो आप लोगों को लगेगा कि भाई कैसे बोल रहा है तू करके. मतलब हुआ क्या, स्टार्टिंग में कैमरा वगैरह पकड़ने के बाद होता है ना एक डर पैदा हो जाता है कि हाँ भाई ब्लॉग करना है, मतलब हाथ में कैमरा लेके तो बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट जरूर होता. उस वीडियो को देखोगे आप लोग तो आप लोगों को एग्जैक्ट समझ भी आ जाएगा. तो ऐसा था मेरा जर्नी. उसके बाद से फिर मैं वीडियोस डालता था, बीच बीच में कभी रुक जाता था जैसा कि आप लोग जान रहे हो. उसके बाद फिर 10th क्लास भी था, ऐसा कर करके फिर धीरे धीरे से मैं रेगुलर होते गया. और आज के डेट में तो आप लोग देखोगे कि यूट्यूब में वीडियोस में थोड़ा सा हफ्ते भर से थोड़ा रेगुलर हुआ हूँ और फिंगर क्रॉस होप सो कि अब मैं ऐसी वीडियोस रेगुलर लेके आता रहूँगा. क्योंकि मेरे को समझ आ गया है कि यूट्यूब में अगर वीडियोस डालना बंद कर दो तो ट्रैफिक टूट जाती है. इसलिए भाइयों अब यूट्यूब में वीडियोस आया करेगी. ऐसा था मेरा कुछ स्टोरी यूट्यूब में, यूट्यूब चालू करने का कैसे मन में आया. उमराव भाई आपको आंसर्स मिल गया होगा, उमराव भाई आपको आंसर मिल गया होगा कि कैसे मेरे मन में आया कि वीडियो कैसे यूट्यूब स्टार्ट करना है. अब बढ़ते हैं अपन हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ. ये लिखते हैं राज भादुरी, आई मीन ये मेरे ना सर हैं, इंग्लिश सर हैं, मतलब सर कम दोस्त ज़्यादा हैं. ये लिखते हैं कि माइक कब लेंगे सर आप? तो राज सर माइक मेरे पास है, आप मेरे को पता है क्यों बोल रहे हो. इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसकी जो ऑडियो क्वालिटी थी वो बहुत पुअर थी. हुआ क्या सर, SJKM से मैं शूट कर रहा था हमारे एक्शन कैमरा से, तो उस टाइम क्वालिटी अच्छी लगी. लेकिन जब मैं वीडियो को जब पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम देखा ना तो थोड़ा सा समझ नहीं आया, फिर मैं सोचा कि चला लेता हूँ. बाकी आवाज़ काफ़ी अच्छा आती है उस माइक से भी जो कैमरे में लगी हुई है. लेकिन फिर मैं सोचा कि डाल लेता हूँ करके. तो ये सीन था सर, बाकी माइक है मेरे पास और एक अच्छी माइक ले लूँगा, आप इतना ही कह रहे हो तो आंसर मिल गया होगा सर आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये लिखते हैं रोशनी सोनी, बेस्ट मोमेंट इन योर लाइफ. मतलब भाइयों मोमेंट तो बहुत सारे हैं, रोशनी मोमेंट तो बहुत सारे हैं मेरे, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो आप लोगों को बताता हूँ मैं.
मेरा दो मोमेंट है सबसे बेस्ट। एक था सबसे पहले जब मैं लिया था अपना ब्रांड न्यू गिम्बल, आप लोग देख सकते हो वो वीडियो, उसका भी बटन आप उसका भी जो वीडियो का लिंक है वाई बटन में मिल जाएगा। जब गिम्बल लेने के टाइम में जब गया था ना, इतनी ज़्यादा खुशी थी भाई, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। कैमरे तो उससे पहले मेरे पास था, दो DSLR था, जैसा कि आप लोग जान रहे हो स्टूडियो पर्पज़ से मैंने बताया था, तो दो कैमरे तो थे घर में। लेकिन फिर एक अलग सी एक्साइटमेंट सी थी कि हाँ गिम्बल लेने जाना है, तो वो सबसे बेस्ट मोमेंट था। एक वो हो गया, और दूसरा मोमेंट जो इसी साल हुआ है हमारे साथ, जो वीडियो है उस कैमरे से शूट हो रहा है, मेरा ब्रांड न्यू कैमरा कैनन 80D, इस कैमरे को लेने गए थे, लगी तरह की फीलिंग थी। तो मैं तो अपने लाइफ भर में इस दो मोमेंट को बेस्ट मोमेंट का नाम दूंगा। बाकी अब देखते हैं जब तक ये ज़िंदगी रहती है और कितने अच्छे खासे मोमेंट आती हैं। तो ये तो मेरे थे दो बेस्ट मोमेंट इन माय लाइफ। रोशनी, आपको आंसर मिल गया होगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये लिखते हैं अभिषेक, आपका लॉकडाउन का शेड्यूल ही बता दो भैया, और स्टूडियो वगैरह बराबर चल रहा और आपका फोटोग्राफी। तो मेरे भाई अभिषेक, लॉकडाउन का शेड्यूल तो क्या ही बोलूँ मैं, ये सबसे रिलेट होता है मेरा भी जो लॉकडाउन का शेड्यूल है, बस खाना है, पीना है, सोना है, बस यही है। और क्या हो सकता है शेड्यूल, आप ही बताओ। आई थिंक ऐसे ही है सबका शेड्यूल लॉकडाउन का। और रही बात स्टूडियो वगैरह बराबर चल रहा हो आपका फोटोग्राफी, तो भाई मेरे स्टूडियो तो काफ़ी अच्छी चल रही है, पोर्ट्रेट्स वगैरह के भी ऑर्डर्स आते रहते हैं, पोर्ट्रेट्स होते रहता है स्टूडियो में। और फोटोग्राफी की बात कहूँ तो मैं, अभी थे वेडिंग सीजन्स तो उसमें काफ़ी सारे काम वगैरह मिले थे मुझे, तो वही सब चीज़ मैं भी लॉकडाउन में घर में बैठ के एडिट वगैरह करते रहता हूँ, वीडियोस हो गए, फ़ोटोज़ हो गए एल्बम के लिए, तो सब चीज़ में ये अपना लॉकडाउन का जो है शेड्यूल चल देते हैं। बाकी सबका जो लॉकडाउन का जो शेड्यूल है वो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोग का जो लॉकडाउन का जो शेड्यूल है वो कैसे गया है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा अभिषेक कि ऐसा था मेरा लॉकडाउन का शेड्यूल, और आप लोग प्लीज़ बताना कमेंट करके कि आप लोग का लॉकडाउन का शेड्यूल कैसे बीता है। दोस्तों बढ़ते हम हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और दोस्तों मैंने बताया था आप लोगों को ये लास्ट क्वेश्चन, तीन चार ही क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं, क्योंकि वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता, क्योंकि पता है कि एक एक क्वेश्चंस के आंसर देने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट बना के चलते हैं। और जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो मैं अपने आने वाले रेगुलर ब्लॉग्स में बीच बीच में ऐड कर दिया करूँगा, उसमें आंसर दे दिया करूँगा। बाकी वैभव लिखते हैं कि भाई ट्राई एस्थेटिक्स वीडियो ब्रो, व्हाई यू नॉट मेकिंग एस्थेटिक। तो मेरे भाई वैभव, मैं समझ रहा हूँ कि तू क्या बोलना चाह रहा है। बाकी मैं रील्स वगैरह बनाता ज़रूर हूँ, तू देखा होगा और आप लोगों ने भी देखा होगा कि रील्स वगैरह मैं बहुत अच्छे तरीके से बनाता हूँ। इंस्टा में मुझे फॉलो नहीं किया तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो भाई अभी एक्चुअली हो क्या रहा है, ट्रैवल वगैरह करते बन रहनी है, और बस घर में रह के मैं क्या वीडियो क्रिएट कर लूँ, तो बात वही है, क्योंकि बहुत जल्दी ऐसी टाइप की वीडियोज़ मैं बनाया करूँगा, नेचुरल वाइब्स वाली, नेचर वाइब्स वाली। तो बस एक बार बस लॉकडाउन अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाने दो, बहुत सारे ट्रैवल प्लान्स हैं वो सब अपना एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद फिर ऐसे टाइप की वीडियोस आप लोगों को मैं बिल्कुल दिखाऊंगा। वैभव आपको आंसर मिल गया होगा इसका, और बस ज़्यादा क्वेश्चन ही, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, और जो भी बाकी क्वेश्चन है वो मैं आने वाले ब्लॉग्स में कवर किया करूँगा। तो ये हमारा Q&A कम्प्लीट होता है। अब आते हैं अपन हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ से। लास्ट वाली वीडियो में मैं ये मेंशन करना भूल गया था लैपटॉप के बारे में, मुझे कई सारे DMs आए कि भाई आप एक चीज़ बताना भूल गए। तो दोस्तों ये मेरा ब्रांड न्यू लैपटॉप डेल का है, और इसमें लगा है इंटेल का कोर i5 का प्रोसेसर है, और NVIDIA की ग्राफिक्स कार्ड है, इसमें 512 SSD है, और जो भी इसकी डिटेल्स है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो देख सकते हो आप लोग। तो ये मेरा लैपटॉप है, इसका मेंशन करना बताना भूल गया था मैं। और दोस्तों इस लैपटॉप को यूज़ करके मुझे हो चुके हैं हफ्ते भर से ज़्यादा, और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छे हैं, बहुत स्मूथ काम होता है। मेन बात है क्या, SSD जहाँ पर भी रहता है वो पूरे सिस्टम को एकदम ईजिली और एकदम स्मूथ बना देता है, इसलिए मैं SSD प्रेफर किया। बाय द वे SSD अभी सभी लैपटॉप्स में आ रही हैं, तो इसलिए मैं ये वेरिएंट लिया हूँ। इसका मॉडल नंबर है डेल का 5518, तो इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हो उस लैपटॉप का स्पेसिफिकेशंस। बाकी मैं उतना प्रो तो नहीं हूँ कि एक एक पर्टिकुलर स्पेसिफाई करूँ वीडियो में, तो इसलिए बस जो मैं ऊपर ऊपर से बता दिया था आप लोगों को।
तो ये था लैपटॉप का सीन। बाकी स्मूथ काफ़ी अच्छा है मतलब। और रही बात किया i5 प्रोसेसर का 11th जनरेशन है मतलब जो करंट रिसेंटली अभी जो नया लॉन्च हुआ है ना 11th जनरेशन वो इसमें लगा हुआ है, तो काम करने में काफ़ी ईजी हो जाता है। और मैं इस लैपटॉप को बस एक ही काम में यूज़ करता हूँ मोस्टली, अपना फ़ोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग, जो कि रेंडरिंग स्पीड भी इसकी काफ़ी अच्छी है। मतलब है क्या, SSD में M2 वाली जो चिप है ना वो लगी हुई है, तो इसके कारण क्या होता है रेंडरिंग स्पीड को 7 गुना फास्टर बना देता है। तो जो मेरी एक 8 मिनट की वीडियो होती है वो हद से हद 10 से 15 मिनट में एक्सपोर्ट होके मुझे मिल जाती है, जो कि मैं पहले वाले सिस्टम में करता था उसमें मेरे को 8 मिनट की वीडियो लगती थी, वो हो जाता था लगभग वही 1 से 1.5 घंटा लग जाता था। सोचो अब मेरा काम कितना ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। बाकी Q&A सेशन और लैपटॉप का स्पेसिफिकेशंस कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और रही बात दोस्तों चैनल में हमारे हो चुके हैं 989 सब्सक्राइबर, तो कैसे कर रहे हो यार आप लोग, जल्दी से करवा दो ना 1K, बस थोड़े से तो करीब है अपन, जल्दी से 1K हो जाएंगे तो और काफ़ी मज़ा आएगा। मतलब बोलते हैं ना एक अंदर से और मोटिवेशन सी जाग जाएगी, तो जल्दी से 1K करवा दो आप लोग। बाकी फिर और बहुत सारे माइलस्टोन अचीव करने हैं, अभी मेरे पास आज की डेट में लैपटॉप है, अब जो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा मेरा क्या चीज़ होगा, इसको सस्पेंस रखते हैं अपन। आप लोग ये बताइए जो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा वो क्या हो सकता है, गेस करके ज़रूर बताना कमेंट में बताना आप लोग कि जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है क्या परचेस करने वाला हूँ मैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे उसको टाइम है, अभी थोड़ा सा अभी पैसे कमाने का टाइम है, थोड़ा पैसा अगर कमाता हूँ फिर उसको भी जल्दी से अचीव कर लेंगे। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताना गैस करके कि क्या हो सकता है वो चीज़। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो को रखते हैं अपन यहीं पे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, शायद वीडियो तो बन गई होगी 10 मिनट के समथिंग के ऊपर हो गया होगा, आई थिंक सो। बाकी मिलते हैं अपन अगली और एक एक्साइटिंग वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।